नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नए नए करवट ले रही है। सातवें चरण में गाजीपुर में चुनाव होना है और 10 तारीख से नामांकन यानी 10 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन जौहराबाद विधानसभा सीट से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जौहराबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की गठबंधन वाली पार्टी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर इस समय चर्चाओं में हैं, अपने भाषणों की वजह से मीडिया में छाए हुए हैं, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से टक्कर ले रहे हैं। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर के सामने किसी उम्मीदवार को खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को लेकर इतना गंभीर है? खैर, यदि उम्मीदवारों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अभी सारे उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने जंगीपुर, जवनिया और जहुराबाद में ही उम्मीदवार उतारे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जहुराबाद की सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन में गई है, यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर मैदान में है। लेकिन गाजीपुर सदर, जखनिया और सैदपुर से अब तक पत्ते नहीं खुले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है। 10 फरवरी से नामांकन शुरू होने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पत्ते खोलने में बहुत सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं। बात करते हैं सदर विधानसभा की। समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी किस पर दाव लगाएगी, यह सबसे गंभीर सवाल है। जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट गाजीपुर की सदर सीट है और सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैदान में है डॉक्टर संगीता बलवंत। डॉक्टर संगीता बलवंत जो कि अब तक राज्य सहकारिता मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही। कहा जाता है कि सदर विधानसभा सीट बिंद समाज का बाहुल्य सीट है। यहां पर यादव समाज की जनसंख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रहती है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में डट चुके हैं और अच्छा कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें यहां कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि AIMIM के उम्मीदवार भी मैदान में आ गए हैं, वो भी मुस्लिम चेहरे। जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक जो है वो यादव और मुस्लिम में छिपा हुआ है, बाकी कुछ अन्य समाज भी है जो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। लेकिन AIMIM द्वारा एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। लेकिन हमें यहां पर गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र को समझना होगा कि आखिर गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के उम्मीदवार जीत सकते हैं। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने निषाद समाज से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बिंद और निषाद समाज से ही कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। वहीं बात यदि हम बहुजन समाज पार्टी की करें तो बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत चेहरे पर दाव खेला है। अब सबसे गंभीर सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी किस चेहरे पर दाव खेलेगी। AIMIM के मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी के सामने कई चेहरे हैं, जैसे पूर्व सांसद दादे मोहन सिंह का चेहरा जो राजपूत समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से गणेश दत्त मिश्र और SP पांडे का चेहरा, और बात यदि कुशवाहा समाज से करें तो उमा शंकर कुशवाहा जिन्होंने अभी अभी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, और राजेश कुशवाहा जो पिछली बार मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे लेकिन फिर भी 30,000 मतों से हार गए थे। अब बात करें मुस्लिम चेहरे की तो समाजवादी पार्टी के सामने मुस्लिम चेहरा वो कौन सा है जो मजबूती से मैदान में आकर लड़ाई लड़ सकता है। जानकारी के अनुसार गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30,000 मुस्लिम वोटर हैं। अब 25 से 30,000 मुस्लिम वोटर पर AIMIM का कितना फर्क पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारती है तो समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा यह समझना भी जरूरी है। जानकारों का मानना है कि वैसे तो समाजवादी पार्टी के पास कई मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा ऐसा है जो समाजवादी पार्टी को मजबूती दे सकता है। वह चेहरा है गाजीपुर के समाजवादी पार्टी विंग के जिला उपाध्यक्ष अहमर जमाल का। अहमर जमाल का गाजीपुर शहर और गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है।
अहमद जमाल समाज सेवी हैं, उन्होंने गाजीपुर में कई समाज सेवा के कार्य किए हैं। कहा जा रहा है कि यदि अहमद जमाल मैदान में उतरते हैं तो उनके पास गाजीपुर शहर का अच्छा खासा वोट बैंक खड़ा रहेगा। साथ ही साथ जो मुस्लिम वोट बैंक AIMIM की तरफ जा सकता है वो सारा का सारा अहमद जमाल समाजवादी पार्टी में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद अहमद जमाल के पास यादव वोट बैंक भी है और कुशवाहा वोट बैंक भी है, जिससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल सकती है। अहमद जमाल की गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी है। एक मुस्लिम चेहरे के रूप में भी समाजवादी पार्टी के पास एक मजबूत उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी किस पर दांव खेलती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर संगीता बलवंत खड़ी हैं, जो पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ 90,000 से ज्यादा मत पाकर चुनाव जीती थी और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य सहकारिता मंत्री भी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राजकुमार सिंह गौतम भी मैदान में हैं। उन्होंने भी पिछली बार अच्छा खासा कार्य किया था, अच्छी खासी टक्कर दी थी समाजवादी पार्टी को। सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाएगी, पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह या गणेश दत्त मिश्र या उमा शंकर कुशवाहा या राजेश कुशवाहा या अहमाल कोई और। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई चुनौतियों से भरी हुई है। वही यदि जौहराबाद की बात करें तो जौहराबाद में ओम प्रकाश राजभर तो मैदान में आ गए हैं, लेकिन सैयदा शदा फातिमा नाराज चल रही हैं। वह समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं या समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो सकती हैं। खैर, उन्होंने ऐलान तो किया था कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सा उम्मीदवार वहां से लेकर आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज। धन्यवाद। यदि ABT न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।